परिवर्तन देते हैं 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में बाबा विश्वनाथ का भव्य दरबार तैयार है। कल शुभ मुहूर्त में बाबा विश्वनाथ धाम के नए शानदार परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक कालीचरण राजभर, पूर्व विधायक जहूराबाद, समाजवादी पार्टी मदन राजभर, भारतीय संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल। कैराना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में राकेश टिकैत का स्वागत किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ट्रेनिंग था यह 13 महीनों का आंदोलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा, मेरा सुझाव मेरा चुनाव एलईडी रथ का किया रवाना। जनता के सुझाव को घोषणा पत्र में शामिल करेगी बीजेपी। बांदा में खून से पत्र लिखकर ग्रामीणों ने मंडल आयुक्त चित्रकूट धाम से लगाई न्याय की गुहार। रिहायशी इलाके में पहाड़ों की ब्लास्टिंग से परेशान ग्रामीण कई दिनों से बांदा के अशोक लॉट में अनशन पर बैठे। कुशीनगर में अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चोरी की 12 मोटरसाइकिल के साथ 4 छात्र चोर भी गिरफ्तार किए गए। कानपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी डॉक्टर का सिद्धनाथ घाट पर गंगा किनारे एक शव मिला है। लगातार पुलिस गंगा में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी। पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का इस पर आरोप था। कानपुर देहात में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। एक पिकअप कार में अवैध शराब सहित 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूद कर जान बचाई है। आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सीतापुर में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। फौजी समेत 3 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लिया है। कानपुर में झोपड़पट्टी और कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की गई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आगरा में शादी समारोह से लौट रही बोलेरो गाड़ी में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बोलेरो सवार 5 घायल, 1 की हालत गंभीर। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे अधेड़ युवक का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने से लगी आग। अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकला ट्रक चालक। लखीमपुर खीरी में 15 साल की किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अंधाड़ा नाले में मिला किशोरी का शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिरोजाबाद में महिला ने बीजेपी के टुंडला नगर उपाध्यक्ष सहित 9 परिवारजनों पर के खिलाफ थाने में दर्ज कराया मुकदमा। धोखा देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। एटा में मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। एंड्रोसिल नाम की बीमारी से तंग था मजदूर। मृतक युवक के परिवार में मचा कोहराम। प्रयागराज में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों और बुजुर्गों ने थामा तिरंगा। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध अवस्था में लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। बिजनौर में हो रहे विकास कार्यों में घोटाले की खुली पोल। ग्राम सेवक और ग्राम प्रधान का रिश्वत लेकर काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर सख्ती से की जा रही कोरोना की जांच। प्रदेश के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में मिलेगा प्रवेश। जालौन पुलिस की सक्रियता से 2 दिन पहले घर से गुम हुआ नाबालिग छात्र फैजाबाद से बरामद हुआ। 2 दिन पहले कोचिंग क्लास से वापस नहीं लौटा था छात्र। फतेहपुर में बेटे ने पिता की सुपारी देकर कराई हत्या। 7 दिन पहले घर से बाहर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आगरा में विधायक बने भाजपा समर्थकों के लिए ड्राइवर। भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा की भाजपा कार्यकर्ताओं के आपसी। फतेहपुर में डायल 100 के सिपाही से परेशान महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। सिपाही गलत नीयत से महिला के साथ करता था छेड़खानी। देर रात महिला से रिवॉल्वर लगाकर दुष्कर्म का किया गया प्रयास।